किसकी सरकार? कांग्रेस की। कितनी सीट लाएगी? 100 से ऊपर आएगी। किसकी सरकार? कांग्रेस की। 50,000 रुपए रोकड़े चाहिए ने, रिक्शा दिला दो सब भाइयों को। रिक्शा चाहिए? हाँ। केजरीवाल जी तो आ रहे हैं। केजरीवाल तो ऐसे कोई आ जाएगी गारंटी तुम देते हैं तो हम दे देते। और चलो पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल आ रहे हैं क्या है मोहन? अरे आएंगे के नहीं आएंगे वो बात तुम गारंटी लेते हो तो हम वोट उनको डालेंगे। बोलो तो गारंटी लेके कौन आ रहा है? बीजेपी? बीजेपी तो आने की जे, बीजेपी तो आने की जे, केजरीवाल आवेगा ना बीजेपी आने की जे। बीजेपी ही आएगी? हाँ। ये लोग कह रहे भाई बीजेपी तो बर्बाद कर दिया इस इलाके को। अरे मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ही आएगी। मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। नहीं बोलता हूँ, यहाँ विशाला से लेके जो सरखेत तक एक शौचालय बना नहीं सकी सरकार हमारी यहाँ की। पीने के पानी के ठिकाने नहीं है, पीने का पानी लेना पड़ता है, 20 रुपए का बोतल आता है। यहाँ से नशेमन सोसाइटी से जाओ, बर्फ की फैक्ट्री तक जाओ और वहाँ का रोड देखो, क्या कब से भी पानी की पाइप डाली है जब से अभी तक रोड बनाया नहीं है। यहाँ पर सुलभ सुविधा नहीं है, जो शौचालय के लिए लोगों को यहाँ बाहर से आने के बाद परेशानी उठानी पड़ती है। करूँ? नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 News। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुहापुरा चौराहा के पास। यहाँ की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, यादें हैं, जुल्म हुए हैं, तकलीफ हुए हैं, जो चाहकर भी आप भुला नहीं सकते। यहाँ की ही वो बेटी थी जिसको बिल्किस बानो के नाम से जानते हैं आप। यही वो जगह है जो 2002 के दंगों से जाना जाता है। बहुत सारे नेता आए, उसमें बहुत सारे नेता चले भी गए और बहुत सारे नेता आज जेल में भी हैं। लेकिन आज ये सब सवाल जवाब करने का वक्त इसलिए आया है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, 1-5 को होंगे और 8 को नतीजे आ जाएंगे। 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है और सवाल ये है कि भाई बीजेपी ने अपनी जो मजबूती बनाई है उसको तोड़ेगा कौन, उसको हटाएगा कौन? क्या आम आदमी पार्टी है, क्या कांग्रेस है? ये बड़े सवाल हैं जो जानना अब बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आज यही जानने की कोशिश करेंगे जुहापुरा के लोगों से, क्योंकि यहाँ लगभग मुसलमान आबादी है, तो इनके मन में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को लेकर? आम आदमी पार्टी की एक नई शुरुआत हुई है, कांग्रेस पार्टी 2017 की दूसरे नंबर की पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी, तो लिहाजा अब सवाल ये है कि आखिर गुजरात चुनाव में यहाँ का जो लोगों का जो मूड है वो क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये आज हम आप दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ के लोग क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सोहेल। सोहेल जी ये बताइए कौन सा एरिया है ये? जुहापुरा। चुनाव उनाव है ये पता चल पा रहा है यहाँ? हाँ। आप लोग वोट करते हैं? नहीं अभी मुंबई नहीं। अच्छा, 18 साल के आप नहीं हुए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? गुलाम दस्तगीर। गुलाम साहब ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं ये भी तो पता होगा आप लोगों को, ये जानने आओ कि जुहापुरा का जो मुद्दे हैं वो मुद्दा क्या है? सबसे पहले जो है यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है ना, वो है जमीन के दस्तावेज बराबर सही होना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दर्शकों मैं याद दिला रहा हूँ, ये सबसे नया मुद्दा है जो अब तक किसी ने बताया है। ये अहमदाबाद के लगभग जगह पर मैं गया हूँ, ये पहला ऐसा मुद्दा है जो बता रहे हैं मौलाना साहब। हाँ, दस्तावेज की यहाँ सबको प्रॉब्लम है, सभी दिक्कत उठा रहे हैं। हाँ। और उसके ऊपर यहाँ का जो भी चुनाव जीतता था वो कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। हाँ। कभी ध्यान ही नहीं देता। हाँ। कि भाई जब इनको फैसिलिटी मिले, सब फैसिलिटी की अभी भी बहुत तकलीफ है यहाँ पर। हाँ। गटर लाइन, पानी की लाइन, आगे तुम जाओगे 1 किलोमीटर ये साइड के अंदर। हाँ। तो पानी की लाइन की भी तकलीफ है। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा। और क्या मुद्दे हैं जो लोगों की तकलीफ के हैं, दिक्कतें हैं, क्या क्या मुद्दे? सरकारी स्कूलें नहीं है। सरकारी स्कूलें नहीं है गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी बस्ती में गवर्नमेंट की एक भी सही स्कूल यहाँ पर डेवलप नहीं हुए, ना गार्डन उद्यान क्योंकि जो होता है यहाँ के कॉरपोरेटरों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ कौन सी सुविधा लानी चाहिए। अच्छा। हाँ, और वो ये चाचा ये मैं समझना चाह रहा हूँ काका कि ये जो नेता और मंत्री बोलते हैं कि मैंने जो है चमका दिया, मैंने जो है स्कूलें बनवा दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, सड़कें चमक रही हैं, ये हकीकत क्या है? तो अगर हकीकत है तो बताओ कौन सी स्कूल बनाइए, कहाँ पर बनाइए? बना तो दी आपने, मानते हैं आपकी बात सही है, आप गलत नहीं हो। हाँ, हाँ। मंत्री हो आप, बिल्कुल सही हो। हाँ। आपका काम ही है सेवा करना, पर हाँ। कौन सी कहाँ पर? हाँ। उसका नाम ये उसका पता, मतलब आपके कहने का मतलब कागजों पे सारी चीजें हैं, जमीन पे नहीं। जमीन पे होना चाहिए ना, इतनी बड़ी बस्ती में गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, कोई भी हो, मध्यम वर्ग का आदमी है उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना गार्डन की सुविधा है। सही कह रहे हैं क्या, कोई कामकाज नहीं हुआ क्या? कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि जुहापुरा को एकदम चमका दिया हमने। अरे कचरा नहीं उठाते वो क्या चमकाएंगे?
कचरा देखो चारों बाजू कचरा आएगा, लाइटा रोड की लाइटा का ठिकाने नहीं है, पीने के पानी के ठिकाने नहीं है, पीने का पानी लेना पड़ता है, 20 रुपए का बोतल आता है। यहाँ से नशेमन सोसाइटी से जाओ, बर्फ की फैक्ट्री तक जाओ और वहाँ का रोड देखो, क्या कब से पानी की पाइप डाली है, जब से अभी तक रोड बनाया नहीं है। यहाँ पर सुलभ सुविधा नहीं है, जो शौचालय के लिए लोगों को यहाँ बाहर से आने के बाद परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ से जाहिर में बोलते हैं जाहिर में शौचालय, वो शौचालय यहाँ पे नहीं है। क्या मुद्दे हैं जो आप पूरा इस बारे क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक का बहुत मसला होता है यहाँ पर, इसके लिए क्या कर रही है नौजवान? कहता हूँ बगीचे भी नहीं है भाई यहाँ पे अपने। यहाँ किस लिए चाहिए आपको? बच्चे खेलने खुदने के लिए। युवा है, रोजगार की बात कीजिए, क्या सरकार ने रोजगार दे रही है, शिक्षा व्यवस्था दे रही है, स्कूल चमक रही है? किसको रोजगार दिया बताओ? रोजगार दे रहे, वही तो मैं पूछने आया, सरकार कह रही है हमने रोजगार दिया। महंगाई बढ़ा है? नहीं नहीं गलत है, नहीं दिया ही नहीं है, बताओ हमारे को बताओ। वो खाली क्या दिया? मैं बताता हूँ सरकार कह रही है कि हमने जोहापुरा में बच्चों को रोजगार दिया है, शिक्षा बनवा दी है, राशन दिया है, मकाने बनवा दिए। मेरे सामने आओ आके बोले खाली सिर्फ गेहूँ चावल दे रही है और जो दूसरा कुछ दे रही है दाल वगैरह तेल वगैरह तो उसका तो पैसा ले रही है। अच्छा। हाँ खाली गेहूँ चावल दे रही है, मैं जाता हूँ मैं खुद लेकर आता हूँ, महीने का 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ देते हैं तो क्या महीना चलता है क्या? गेहूँ 10 किलो आटा चलता है? सही कह रहे हैं ना, अगर सुविधा मिले तो पब्लिक क्या करे? पे कम से कम सुविधा नहीं है गरीबों के लिए, कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ जो भी सुविधा है अमीरों के लिए, अभी बिल्डर लोबी अमित शाह का लड़का अभी यहाँ स्कीम कर रहा है, बड़ी स्कीम कर रहा है, अमित शाह लड़का जो कुछ भी नहीं था। एक सच्चाई बताइए, आप लोग ही बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि भाई हमने सब कुछ किया है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कागजों पे हुआ है जमीन पे कुछ नहीं हुआ? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना ऊपर हुआ ना मिडल में हुआ ना नीचे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार का माहौल क्या है फिर जब कोई काम ही नहीं किया? सब जगह के भाई साहब टूटेले, सब जगह के टूटेले, यहाँ के तो पानी की पाइप जब के नाक के गए तो पानी भी घर तक नहीं पहुँचता है, 2 दिन पानी आता है तीसरे दिन टूट जाता है, तो वो JBC मशीन वाला आता है खड्डा खोदता है, अब वो साधा किसी का अलग ज्वाइंट करते हैं वो पता नहीं, पीने का पानी तो घर तक पहुँचता ही नहीं है और रोड तो बना हुआ नहीं। तुम आप जाके देखो एक कमर के ये BJP वाले हार कह रहे हैं काका जी, BJP वाले हार नहीं रहे ना, है ही नहीं काम धंधे नहीं है, गरीब को खाने भी वाले नहीं हार रहे। अगर 90 लाख वोटिंग है गुजरात के अंदर, अगर 10 लाख भी आएगी तो BJP जीत जाएगी। AVM मशीन है ना, सीधी सी बात है, AVM मशीन है। आप किसी को भी वोट दो, किसी को भी दो, केजरीवाल को दो, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, आप किसी को भी वोट दो, वोट उधर ही पार्टी ही चोर है। ये मुझे लोकसभा से मालूम पड़ा है, लोकसभा से, लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो मायावती ने कहा था, मायावती को जो वोट पड़े थे चलो मैंने माना, मायावती ने बोला था कि चलो मेरे को किसी ने वोट नहीं दिया, पर जो मैंने वोट दिया था वो किधर गया? उसका मसला किसी ने नहीं उठाया, थोड़े टाइम उठा फिर वापस दब गया। ये इन लोगों ने ऐसा करेला है, जोरदार तालीबाजी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है कि नेता आते हैं अपने वोट मांगने के वक्त, उसके बाद उसकी चर्चा भी नहीं करते, उनके मुद्दे की बात नहीं होता। जैसे आप बताएगा, मैं कह रहा हूँ आपको खुल्ला में कह रहा हूँ कि 90 लाख वोटर है, 10 लाख अगर वोट भी पड़े भाजपा में तो भाजपा जीत जाएगी AVM मशीन से। अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी अभी तक इसके अंदर के जो अपक्ष सामने है इनको भाजपा पैसा देकर मुंह बंद करवा रही है, अपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको पैसे से पेट उनका भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ तो कौन बोलेगा यहाँ पे? और आजकल किसी को कोई सबका मुंह बंद कर दिया जाता है, ये 500 रुपये बोतल वगैरह खाना पीना ये सब हो जाता है। अपने सच्चाई बता दी कि देखिए BJP सरकार ने 27 सालों में क्या किया, इन लोगों ने बाखूबी तरीके से बताया। एक सच्चाई और है जिसमें इस इलाके में आऊं, यहाँ तो BJP ने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं 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 बताओ क्या करा है? मैंने आपको तो बताया अभी, इतनी चीजें कह रहे हैं रोजगार कौन सी शिक्षा बनाई है? खाली भाई ने जो बताया है कि गेहूँ चावल करे, 3 साल हो गए ब्रिज को पास हुए, अभी तक इसमें यहाँ पे कुछ बुनियाद नहीं है, 3 साल हो गए। आप पेपर उठा के देख लिया ब्रिज का, और 4-5 किलोमीटर का ब्रिज है, एक भी पास नहीं हुआ इसके अंदर। आप तो देखिए शौचालय, शौचालय नहीं है। अभी यहाँ नाका बना था मजदूरों का, बराबर खाना शुरू करके 2-3 महीने वीडियो उतारी और बंद कर दिया। मतलब इतनी तकलीफें गिना रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं, BJP कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। नहीं बोलता हूँ यहाँ विशाला से लेके जो सरखेत तक एक शौचालय बना नहीं सकी सरकार हमारी यहाँ की, हिंदुस्तान को शौचालय दे रहे हैं। यहाँ से एक नहीं है, पाली 4 रस्ते पे डालगढ़ वाला अंदर है क्या, हर जगह पे शौचालय बने ले, वासना में है, गुप्ता नगर है, तो विशाला से यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, सब
जब कहने का ही है यहाँ जमीन पर बीआई टेस्ट चालू हुई है पूरी अहमदाबाद में, दो साल हो गए, दो साल से बीआई टेस्ट चालू थी, एक महीना भी वोटिंग के, यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरक्की इस गांव में नहीं आ रही, यही कहना चाह रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं आ रहे, वो खुद ही यहाँ नहीं आ रहे, कब आए? कौन आता है? बीजेपी तो बोलती है हमको मुस्लिम पे वोट चाहिए ही नहीं, मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो भी हम तो बहुमती से आने वाले हैं। हाँ, वो तो ये जो अपना देगी भैया, आप खाली खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वो लोग ऐसे जीत जाएंगे, अपक्ष को पैसा देके पेट भर दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान को विश्वास है, आपको विश्वास है नहीं मोदी जी पे? ईवीएम पे सवाल उठा। अरे भाई मुझे मोदी पे विश्वास है, मोदी जो काम कर रहा है मोदी पे विश्वास है। अरे पक्का, इतना विश्वास है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान बेचा है, नहीं तो कोई माइक राइज की ताकत नहीं तो हिंदुस्तान को बेच देता, हिंदुस्तान बेच दिया। और बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है, कैसी बात कर रहे? चलिए एक 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 गुरु है ना बेचने के अंदर, मटेरियल बेचने के अंदर, ये प्लेन बेचा, ये ट्रेन बेची, ये बेचा, अब बताओ कौन सी कंट्री ने कब बेचा था? अब वो बेचने के बाद भी इसको वापस लाने का क्या, बोला 100 साल 50 साल का। एयरपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, बैंक को कॉन्ट्रैक्ट में करे, सब कॉन्ट्रैक्ट में। यानी काम काज करके ये आ रहे, इनसे सच्चाई जानते हैं, इनसे सच्चाई जानते हैं, इनको देखिए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए इस एरिया में, ये लोग कह रहे कुछ किया ही नहीं, बर्बाद कर दिया साहब। किया होगा वो सब, अलग अलग एरियों में किया होगा, अलग अलग एरियों में किया होगा, हिंदू के एरियों में। आपके लिए किया? हमारे एरिया में कोई नहीं, हम लोग यहाँ नाके पे ही खड़े रहते हैं। मतलब ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ ये सब सच है, हम लोग नाके पे ही खड़े रहते हैं, और यहाँ नाके के ऊपर अपना पहले खाना वाने का वो सब भी मिलता था, अभी वो सब कुछ बंद हो गया। बीजेपी की तरफ से न मकान मिला ना शौचालय नहीं, मकान का, अरे मकान काम मिल जाए वही बहुत चीज है, काम भी नहीं मिल रहा है, काम मिल जाए वो सबसे बड़ी चीज है। शौचालय तो होगा जब इंसान खाएगा, खाने पीने के बाद हो रहे, नौकरी धंधे के बांध हो गए, खाएगा तो हकेगा ना, जब खाने का ही नहीं मिलता तो हकेगा क्या? तुम खाने के लाले पड़े हुए हैं, देखो तुम। ठीक है, आप कुछ नए लोगों से बात करते हैं, ये जो तमाम मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ। अच्छा आप मीडिया से, ठीक है, कोई बात नहीं, मीडिया वाले को तो ये लोग गाली दे रहे हैं कि नहीं, वो बोलेंगे हाँ। क्योंकि अभी मीडिया खुद ही बिक चुका है तो फिर क्या करूँगा मैं, कुछ बोल मैं नहीं बिका, लेकिन मैं बोलूंगा अच्छी बात क्योंकि मैं कैसे कर दिया मीडिया बिके। अरे भाई साहब हाँ आप बताइए, हाँ चाचा आ भाई चलिए, कोई लोग बात नहीं करना चाह रहे। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल है, एक सवाल जो मैं लेना चाह रहा हूँ इन लोगों से। मैं इस इलाके में आऊं और एक अगर उस बच्ची की बात नहीं करूं, उस लड़की के बारे में बात नहीं करूं तो ना इंसाफी होगी। वो है बिल्किस बानो का मुद्दा, जो आपने देखा होगा 2001 दाग सी लगी है, एक जुल्म हुआ था महिलाओं पे, वो 2002 का दंगा था और उसकी याद आज भी आती है जब उनके बलात्कारी बाहर घूमते। क्या वो मुद्दा है, ये जान लेते हैं इन भाइयों के बीच में से। बिल्किस बानो के मुद्दा को कैसे देखते हैं? बिल्किस बानो के मुद्दे को कैसे देखते हैं? बीजेपी पे फर्क पड़ेगा, हाँ, उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा, उनकी सरकार को बेनिफिट लेने के लिए मुद्दे को उन्होंने अच्छा, फिर से उखाड़ा है। दूसरा इसमें और कोई नई बात नहीं या नया कोई वो नहीं कि हमको हमारी कम्युनिटी के वोट इस मुद्दे पर मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, आप सही बोल रहे हो। नहीं वो चाचा सही बोल रहे हैं, आप ही बोल दीजिए कुछ सही। नहीं हमारे बस हमारे बड़े, आप बिल्किस बानो की बात करते हैं, आप झारखंड में देख लो हाँ। न्यूज़ देखते हैं हाँ। एमपी देखो, यूपी देख लो, आज तो मैं यार राजस्थान का दिल्ली भी हाँ। अभी चलो दिल्ली में तो आपकी सरकार है हाँ। कहीं भी उठा के देखो हाँ। जिन लोगों ने ये कत्ल भी किया है, रेप हाँ। भी किया है हाँ। उनको ये लोग प्रोग्रेस देकर आगे लाए जा रहे हैं हाँ। और यहाँ तक के देखा गया इनको स्टेज पर भी फुलहार कराए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ वोटिंग के चक्कर में। नोटबंदी के बाद में मामला गरा भी हो गया जाएगा, सब पनौती लगे लिए यूँ समझो। नोटबंदी लोगों के हंसी नहीं है, हंसी चेहरे पे हंसी दिखती है, किसी के चेहरे पे हंसी दिखती है। आप तजुर्बेकार है, बाखूबी जानते हैं, यानी नोटबंदी का जो जिक्र कर रहे हैं, पास से पनौती लगे लिए विकास में क्या है, सब आदमी बेकार बैठे ले गए। मोदी जी तो कह रहे थे थोड़े से तकलीफ झेल लीजिए, अच्छा अरे तकलीफ पे 10 साल से झेलते गए, पैदा हुए जब से झेलते, विकास हुआ क्या? विकास नहीं हुआ, कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिए हैं, महंगाई युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, महंगाई ओवर ब्रिज बना दिए, ये अटल ब्रिज बना दिए, थोड़ा रोडों को सुधार दिया, तो ये विकास हो गया। क्या चाहिए भाई, घर का सुकून चाहिए, 50,000 रुपए रोकड़े चाहिए, ना रिक्शा दिला दो सब भाइयों को, रिक्शा चाहिए। हाँ केजरीवाल जी तो आ रहे हैं, केजरीवाल तो ऐसे कोई आ जाएगी गारंटी तुम देते हैं तो हम दे देते हैं और चलो। पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल आ रहे हैं क्या है मोहन? अरे आएंगे के नहीं आएंगे वो बात, तुम गारंटी लेते हो तो वोट उनको डालेंगे, बोलो। तो गारंटी लेके कौन आ रहा है? बीजेपी बीजेपी तो आने कीजिए, बीजेपी तो आने कीजिए, केजरीवाल आवेगा ना बीजेपी आने कीजिए।
अच्छा बीजेपी ही आएगी? हाँ ये लोग कह रहे भाई बीजेपी तो बर्बाद कर दिया इस इलाके को। अरे मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ही आएगी, ये भी है मैं ना। वो तो भाई सब है ना, ये सब चीटिंग बाजी करके ना, सब हमको भी बीजेपी चाहिए। हमारे को तो कोई को वोट ही नहीं देना ना, हमारे कोई को जीतना भी नहीं है। तुम देते 50,000 तो तुमको वोट देवे बोलो, मतलब आप घूस लेके वोट देंगे? अरे कोई को देना नहीं, ऐसे से ही ये लॉजिकल बात नहीं हुआ। जब आप घूस की बात खुद ही कर रहे हैं तो फिर कैसे करें? हाँ एक मिनट, पूरा देश घूस ही खाता है। कौन खाता घूस? अरे देश का वड़ा प्रधान ही घूस की बात खा रहा हो तो उसकी आवाम करेगी तो कोई उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है? मतलब मंत्री सब घूस है? अरे पूरा मंत्री लेवल ही घूस खा रहा है, वड़ा प्रधान लेके घूस खा रहा है, हमारे देश को बेच डाला है, हमारे देश का घूस खा कर अदानी को उनको सबको बड़ा करा है। भाई साहब काका जी, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं उनके राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे कौन बोलता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? कौन बोल रहा है? कौन बता दो कहीं किधर किधर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? मोदी ने कांग्रेस के नेता को खरीदा है। अच्छा इसीलिए सरकार नहीं बनेगी? सरकार की नहीं बन रही, इस बार बनेगी। ज्यादा घूस तो मोदी दे रहा है ये देश में, सबसे ज्यादा विकास हिंदू के एरिया में हो रहा है, मुसलमान के एरिया में जरा भी विकास नहीं होगा। यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, ये हिंदू मुसलमान के ऊपर है। मुस्लिम में तो तुम कोई भी इलाके में जाओ। अरे कैसी बात कर रहे हैं फिर मोदी जी, सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास भूल गए क्या? अरे अरे विश्वास मुस्लिम का विकास किधर करा आप बताओ तो, खरी आप बता दो खाली, मेरे को मोदी को बात जाने दो। नहीं तलाक की बात वो करते हैं, खाली बाना है आप बोल रहे हो सबका विकास सबका साथ है, तो आप बता दो कि हमारे मुस्लिम का विकास किधर हुआ? अरे वही हमारे को देखो, हमारे को देखो जी, नहीं नहीं काका जी यही तो जानने आए हो कि आपके एरिया में वो कह रहे हैं मुसलमानों के एरिया में स्कूलें बनवा दिए हमने, सटके बनवा दी, हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, कौन सी स्कूल बनाई? स्कूलें क्या बनाएंगे, एक रोड नहीं बना सकते? ये 5-6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना, नहीं बना अभी तक। ये बर्फ की फैक यहाँ से लेकर बर्फ की फैक्ट्री तक रोड देख लो तुम जाके, बाबा 6 महीने हुए अभी तक रोड नहीं बना, तो स्कूल ने कॉलेज की तो बहुत दूर की बात रही। एक रोड 6 महीने से रोड कैसा झूठ बोल रहे हैं? देखो आप बोलते हो कि विकास हो रहा है मुस्लिम का, ये हमारा मुस्लिम एरिया है, हमारा मुस्लिम एरिया है, अभी तक हमारे मुस्लिम एरिया को कॉलेज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, अगर विकास आप करना चाहते हो मुसलमान का तो हमारे एरिया को कॉलेज क्यों नहीं देते? आप सवाल पूछेंगे ना बीजेपी के नेता से सच्चाई जानने के बाद? अब ये कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं है भाई, नेता का कोई नेता ही नहीं आता। जीत कैसे जाता? मोदी जी तो यहाँ से इनकी आप जिंदगी में नहीं निकले कभी भी। अंदर चलो और रोल बताता हूँ तुम्हारे को। नहीं नहीं चलो अभी अभी। अब एक सवाल ले लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लोग कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? क्या एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए अगर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है? भाजपा आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या AMI हो, बराबर ये इनके ही प्रचारक है भाई, तो ऐसे कैसे होगा लोकतंत्र? कैसे होगा मालूम है बराबर, क्योंकि इनको भी दिखाना पड़ता है कि देखो हम लड़ कर आए, AVM मशीन से नहीं जीते हैं, जब सब एक टीम ने बी टीम सब एक दूसरे के, ये लोग सब पैसों के लिए आते हैं, अपना पेट भरने के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं आ रहा बराबर। अब रिया सवाल कि कौन किसको वोट देगा, मुस्लिम के अंदर तो एक ही चीज़ है कॉमन इंस्टेंस, बोले एक ही चीज़ बस, जो मुसलमानों को हम उसे वोट देंगे। यहाँ कोई ना शिक्षक पे कोई काम होता है ना किसी चीज़ पे भी काम होता है, यहाँ पे कुछ काम होता ही नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस को कैसे देख रहे हो? कांग्रेस वालों को तो भाजपा खरीद लेती है कि यार भाई सबको तो आप लोग खरीदवा, वालों को तो भाजपा खरीद लेती है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी? केजरीवाल तो केजरीवाल भी उनका जमाना था बीजेपी का बराबर, कहता हूँ कैसी देखे कैसी दे, तुम दे दो 50,000 रुपए अभी हाल सबके वोट तुम्हारे को। चलो चलिए ठीक है, मैं आपसे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वोट की अहमियत को आप नहीं जान रहे हैं। अरे किसको वोट देने का? लेकिन वोट की अहमियत तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन हमारा वोट काम ही नहीं, गिरा सकते हैं आप, सरकार बना भी सकते हैं, वोट बना रहे हैं। अरे बना ये मशीन में ही गड़बड़ होती है तो फिर निकाल दो, अगर भाजपा ना गिरे तो बता देना। EVM एक सवाल है यही ना? चलिए आखिरी सवाल आप सबसे है कि अब की बार गुजरात में किसकी सरकार, और साथ ही साथ ये भी कि जिसकी भी सरकार बनेगी कितनी सीटों पे बनेगी, किसकी सरकार? कांग्रेस की। कितनी सीटें लाएगी? 100 से ऊपर आएगी। किसकी सरकार? कांग्रेस। किसकी सरकार देख रहे हैं? नहीं मुझे तो, क्योंकि जहां भी आपकी सरकार आई है रिकॉर्ड बता रहा है दिल्ली का, आपकी सरकार ने कांग्रेस को तोड़े हैं। सीटें लगभग 90 के आसपास आपकी आई। कांग्रेस कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? 135। किसकी सरकार देख रहे हैं सर आप? बीजेपी। बीजेपी कितनी सीटें? फुल बहुमती से। फुल बहुमत यानी 100 के पार। किसकी सरकार देख रहे हैं? भाजपा।
आपने तो कोई की सरकार में देखो, अब तो हम कांग्रेस की सरकार वापिस देखना चाहते हैं। सीट तो 110-125 तक यानी बहुमत की बात कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने हर मुद्दे पे बात की, खुलकर बात की, लेकिन एक सवाल, एक दाग जरूर है कि मुसलमानों को लेकर जो मोदी जी की छवि बनी थी कि उनके साथ नहीं है, सबके साथ, सबके विश्वास की बात तो करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ इस एरिया में नहीं दिख रहा है जो लोग बता रहे हैं। बहरहाल नज़दीक करीब है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं जुबानी जंग भी छिड़ रहा है, लेकिन इस बीच में ये देखना होगा कि बीजेपी इस एरिया से कैसे फतेह पाएगी, और साथ ही साथ इन तीनों के बीच में क्या जो 27 सालों का कब्जा है, क्या बीजेपी उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। मोहम्मद आसिफ कैमरा पर्सन सुमित के साथ स्पिन न्यूज़।